गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास टू के स्टूडेंट। आज मैं फिर एक बार जनरल नॉलेज पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 7 से नंबर 2 प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को ना कहें चैप्टर में कुछ बतलाने वाले हैं कि ये प्लास्टिक हम सब के लिए बहुत हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो देखो बच्चों, टेस्ट में दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध शुद्ध करने के साथ साथ इसको रीड करेंगे। प्लास्टिक टेक्स मैनी ईयर्स टू डिकम्पोज, इट रिमेन्स इन वाटर और लैंड एंड पॉल्यूट्स इट, मैनी एनिमल्स गेट चॉक्ड ड्यू टू इट। हेयर आर सम सिंपल वे टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज। प्लास्टिक सड़ने में बहुत टाइम लेता है, अपघटित होने में बहुत समय लेता है, वर्षों का समय लग जाता है। यह इट रिमेन्स इन वाटर और लैंड एंड पॉल्यूटेड, यह पानी में रहता है, जमीन पर रहता है और नहीं जल्दी सड़ने के कारण यह वाटर और लैंड, पानी और जमीन, जल और जमीन दोनों को प्रदूषित करता है। मैनी एनिमल बहुत से जानवर, गाय भैंस बकरी ये सब आदि, गेट चॉक्ड ड्यू टू इट, इनको खाने से भोजन के लालच में ये खा जाते हैं और ये इन जीव जंतुओं के आमाशय में जाकर चॉक्ड हो जाते हैं, जिसके कारण इनका दम घुट जाता है और ये मर जाते हैं। हेयर आर सम सिंपल वे टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज। तो यहाँ कुछ उपयोग बताए जा रहे हैं, इनके कारण प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सकता है। प्लास्टिक को ना कहने में ही भलाई है। रिफ्यूज टू टेक प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम सेलर एंड शॉप, प्लास्टिक बैग प्लास्टिक के थैले को लेने से दुकानदारों और दुकानों से इनकार करें। आप प्लास्टिक के थैले नहीं लें, अगर दें भी तो नहीं लें। नेक्स्ट, कैरी योर ओन क्लॉथ बैग फ्रॉम होम फॉर ग्रोसरी एंड अदर शॉपिंग, यू कैन ऑल्सो यूज जूट एंड पेपर बैग इन स्टीड। कैरी योर ओन क्लॉथ बैग, आप अपना कपड़े का थैला लेकर जाएं फ्रॉम होम घर से अगर निकलें, फॉर ग्रोसरी साग सब्जी लाने के लिए या अन्य शॉपिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो अपने साथ कपड़े का थैला लेकर चलें। यू कैन ऑल्सो यूज, आप इनके अलावा जूट और पेपर बैग कागज के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक बैग के बदले। नेक्स्ट, यूज लेस और नो, आप प्लास्टिक का यूज ना करें या कम करें, जैसे प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक सीट्स, प्लास्टिक टॉयज एंड प्लास्टिक स्टेशनरी। प्लास्टिक के बने हुए बोतल, पात्र, कंटेनर, बर्तन, सीट्स यानी चदरा, टॉय, खिलौने और अन्य स्टेशनरी जो प्लास्टिक के बने होते हैं, उनका प्रयोग
कम ही करें या तो ना ही करें तो अच्छा है। थ्रो प्लास्टिक बैग एंड प्लेट्स कप्स यू सी लाइंग ऑन रोड और हैव यूज्ड इन प्लास्टिक रिसाइकिल बिन विच इज द ब्लू बिन। आप प्लास्टिक बैग और प्लेट को कप्स को फेंक देते हैं या फेंके हुए मिलते हैं रोड पर सड़क पर और आप यूज करने के बाद उन्हें फेंक देते हैं, ऐसा ना करें। इन सभी प्लास्टिक बैग प्लेट कप को सड़क पर ना फेंकें। यूज इन प्लास्टिक रिसाइकिल बिन सड़क के किनारे ब्लू बिन नीले रंग का एक डब्बा रखा रहता है उसमें उसे रख दें, यह बेटर है जिसका रिसाइकिल पुनः उपयोग हो सकता है। तो आप प्लास्टिक को ना कहेंगे इन्हें पढ़ने के बाद समझने के बाद बेटर यही है कि प्लास्टिक को ना कहें। नेक्स्ट पेज नंबर 11 में कुछ इको फ्रेंडली के बारे में बतलाया गया है कि जो हमारे वी शुड डू आवर वेस्ट टू प्रोटेक्ट द नेचर प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे कार्य करने चाहिए। वे हमारे फ्रेंड हैं, गहरे मित्र हैं प्रकृति। वी शुड नॉट स्पॉइल इट पर्यावरण को प्रकृति को बर्बाद प्रदूषित नहीं करना चाहिए। क्रॉस द पिक्चर इन विच पीपल आर मेकिंग एयर लैंड एंड वाटर डर्टी। नीचे कुछ तस्वीरों में लोग जो लोग हवा को जमीन को जल को गंदा करते हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाएं। तो बच्चों चैप्टर पिक्चर नंबर 1 में जो देख रहे हो ये इको फ्रेंडली है, ये टिक का निशान लगेगा, सही का निशान लगेगा क्योंकि यह प्रकृति को दूषित नहीं करते। नंबर 2 देख रहे हैं कि किस तरह से आग जलाए जा रहे हैं खुले में, इन पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाए। नंबर 3 ये भी देखिए जल में जानवरों को धो रहे हैं, इन पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाया जाए। नंबर 4 चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यह कार्य भी ठीक नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगाया जाए। नंबर 5 जो देख रहे हैं यह बच्चे डब्बे में कचरे को रख रही है, ये सही कार्य है, इस पर सही का चिन्ह लगाया जाए। नंबर 6 पटाखे जलाए जा रहे हैं बीच ओपन प्लेस पर, यह ठीक नहीं है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इस पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाए। नेक्स्ट नंबर 7 यह भी कचरे को जल में फेंक रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगाए। नंबर 8 मोटर गाड़ी से निकला धुआं भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इन पर भी क्रॉस का चिन्ह लगाए। यानी 1 और नंबर 5 ये पर्यावरण के हित के लिए है, इसलिए 1 और 5 सही का निशान लगाएं, सही कार्य है, बाकी सब क्रॉस का चिन्ह लगेगा। तो बच्चों हम सबको भी पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए जितना ज़्यादा हो। ओवर एंड ऑल बच्चों आज के लिए इतना, ओवर एंड खत्म करो।